हेलो फ्रेंड्स, फिनमैप के एक और पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजटिंग की, जिसके लिए हमारे साथ हैं प्रमोद, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से बजटिंग की जाती है। तो स्वागत करता है प्रमोद का। थैंक्स मोहित। तो प्रमोद, जैसे ही मैंने बोला आपको कि आज बजटिंग का सेशन है, तो बजटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आम भाषा में बात की जाए तो बजटिंग हम किसको बोलते हैं? इट्स ए गुड क्वेश्चन। बजटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट दो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं। फर्स्ट इज इनकम, सेकेंड इज एक्सपेंस। इससे बजटिंग होती है और इन दोनों को करने से हमारे थर्ड कॉम्पोनेंट निकलता है, वो सेविंग्स है। तो बजटिंग को अगर हमको समझना है तो हमको तीन कॉम्पोनेंट में समझना पड़ेगा। तो लेट्स टेक इनकम फर्स्ट, राइट? अगर आपको कोई भी यू नो एक्सपेंस करना है, उसके लिए यू हैव टू अर्न सम मनी। सो हाउ डू यू अर्न? जनरली आप काम करते हैं तो आपको उससे पैसा मिलता है, आप शायद बिजनेस कर सकते हैं, राइट? मे बी सैलरी मिलती है आपको। अगर आपका कोई एक कंसल्टिंग का साइड इनकम भी है तो उस सब सोर्सेज है इनकम के, यू अर्न इनकम फ्रॉम दैट। बट उस इनकम के आने के बाद, राइट, इन तो हो गया, इनकम हैज़ बीन देयर, बट एक्सपेंस है जो आउट जाता है। तो जो भी आप खर्च करते हैं वो एक्सपेंस की तरफ जाता है। तो इनकम आउट गोइंग इज एन एक्सपेंस, अंडरस्टूड? दैट इज द कॉम्पोनेंट। लेट अब इसमें सब दूसरा जो एस्पेक्ट है एक्सपेंस का, उसको हमको समझने के लिए जानना पड़ेगा कि एक्सपेंस हम करते कहाँ कहाँ हैं, राइट? तो उसका सबसे बेसिक फंडामेंटल है, पांच कैटेगरीज जनरली होती हैं जिसमें हम एक्सपेंस करते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज नीड बेस्ड एक्सपेंसेस, जो आपकी ज़रूरत है, राइट? आपका एक्सपेंस रेंट में जाएगा, यू कांट अवॉइड दैट, राइट? आपको अपने यू नो कपड़े पहनने हैं तो उस पर खर्च हो गई होगा, बिजली का बिल देना है, एक्सपेंस हो गई होगा, राइट? सो दीज आर वेरी नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं नीड, राइट? तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। सेकेंड है द लाइफ स्टाइल, आप मेंटेन करना चाहते हैं। समबडी विल हैव अ लग्जरी लाइफ स्टाइल, सम कैन जस्ट मैनेज विद द जनरल स्टफ। तो लाइफ स्टाइल पर जो एक्सपेंसेस जाते हैं, यू कैन बियर विद अ वेरी लाइट वेटेड क्लोथ, बट यू वॉन्ट एन एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ, तो वो लाइफ स्टाइल हो गया, उसको मेंटेन करने का क्या है, खर्च। तो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है कि अगर आपको अपने अगर आप फैमिली मैन हैं, यू हैव अ फैमिली टू यू नो टेक केयर ऑफ, तो उसको सिक्योरिटी भी आपको इंश्योर करना है, सुरक्षा इंश्योर करना है, उसमें भी आपको एक सर्टेन बजट निकालना पड़ता है अपने इनकम का। तो वो एक्सपेंस कहाँ जाता है, आपके फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए। तो सिक्योरिटी इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट। एंड द फोर्थ वन विच एक्सपेंस गोज इज इन टू क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट जिसको आप इन्वेस्ट कर सकें और उससे आप फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकें। तो जो भी इन्वेस्ट करने के लिए कॉम्पोनेंट जाता है वो कहाँ जाता है, वो साइड में सेविंग्स एक्सपेंस में चला जाता है। एंड द फिफ्थ एक्सपेंस गोज इन टू मेंटेनिंग अ डिस्क्रिशनरी लाइफ, मतलब मिसेलिनियस बोल सकते हैं उसको, जो कि ज़रूरत तो नहीं है बट अल्टीमेटली आप ट्रैवल निकल जाते हो, कभी कभी मूवीज़ देख लेते हैं आज, ठीक है? तो ये सारे जो बेसिक अननेसेसरी एक्सपेंस हैं वो मिसलिनियस में होते हैं और आप वो करते हैं। तो पांचवा कैटेगरी है। तो प्रमोद, जैसे काफ़ी यंग ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट को सुनती है, तो यंग ऑडियंस के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि सैलरी आती है और वो कहाँ जाती है उनको नहीं पता चलता। तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किधर से, कि कोई आपके पास ऐसा सिस्टम है जो कि जिस तरीके से वो अपने एक्सपेंडिचर को वॉच कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ताकि सेविंग का कंपोनेंट थोड़ा बढ़े, राइट? तो अब जब हमने ये समझ लिया कि इनकम और एक्सपेंस आपको पता हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो नाउ यू नीड टू इंश्योर दैट द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विल लीड टू अ सेविंग। अनटिल यू हैव अ सेविंग्स यू कैन नॉट यू नो मेंटेन अ सस्टेनेबल लॉन्ग, जो लाइफ आपको लाइफ अचीव करनी है वो सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पहले तो आपको इनकम आपको लिख लेना है कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से, और फिर अपने एक्सपेंसेस लिख लेना है जो मैंने कैटेगरी अभी बताई। तो आपको पता चलेगा कि आपका अगर 1,00,000 रुपये सैलरी है, मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी है, तो कितना आपका खर्च है महीने का, ठीक है? और ये आपको हर वक्त करना है, ये डिसिप्लिन है, आपको हमेशा रिकॉर्ड रखना है उस खर्च और ना इनकम एक्सपेंस के डिफरेंस को आपको निकालना है, और जो बचता है वो सेविंग्स है, ठीक है? तो जो आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि वो ये करते नहीं है, ठीक है? इसको नहीं करने से टीडीएस भी है, और इस कारण से उनको पता ही नहीं होता कि मेरे को कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। वो एक डिसिप्लिन अगर ले आएंगे तो उनको पता होगा कि मेरी अगर 1,00,000 सैलरी है तो मैं 20,000 बचा पा रहा हूँ, राइट? तो उसको पहुँचना है कि उसमें से कितना बचा सकें, उसके लिए एक फंडामेंटल रूल भी है फिनेंस के, जिसको हम बोलते हैं 50-30-20। ये बजटिंग का रूल है, इसको कोई भी इनिशियल जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में इनकम के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रूल के 50-30-20 का क्या कंपोनेंट, आप किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, किधर ये 50% जाता है और 20% जाता है और 30% का पार्ट जाएगा?
ठीक है, तो जैसे मैंने एक्सपेंस के आपको कैटेगरी बताया था, तो उसमें से तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, नीड, वांट्स एंड तीसरा था सेविंग्स के लिए। तो इसी कैटेगरीज को एड्रेस करता है अपना बजटिंग रूल, विच इज़ 50-30-20। तो 50% आपके इनकम का इनिशियल में कहाँ जाना चाहिए, आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जाना चाहिए। 20-30% है जो वांट्स, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, राइट, अच्छा खाना है, अच्छा कपड़े पहनने हैं, तो इस तरह की नीड के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली यंग पीपल वांट टू स्पेंड द मनी, राइट, तो वो 30% वो ब्रैकेट में डाल देते हैं, लेकिन बचा हुआ कंपोनेंट क्या है, सेविंग्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 50-30-20 रूल सिंप्लीफाई कर देता है कि आपको कैसे अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की तो बात हो गई है, तो बात करते हैं सेविंग्स की। तो सेविंग्स को किस तरीके से किया जाए, किन जगहों पे सेव किया जाए, ताकि आप बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, बिकॉज इन्फ्लेशन आज की डेट में काफ़ी है, जो कि अगर आप नॉर्मली एफडी में पैसे डालते हो तो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, तो कहाँ हमको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि सेफ भी हो किसी। राइट, सो थर्ड पॉइंट कॉम्पोनेंट जो सेविंग्स का है, वो 20% स्टार्ट विथ तो हो सकता है, बट आइडियली विद द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट कॉम्पोनेंट शुड इंक्रीज। फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप सेविंग्स को इंक्रीमेंट करें और 20% से 30-35-40 तक को ले जाएं। ठीक है, जब आपके पास ये सफिशिएंट सेविंग्स होंगे तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। सो उसको इन्वेस्ट करने के लिए डिपेंड करता है कि हु इज़ द पर्सन, वी नीड टू आइडेंटिफाई योर लाइफ स्टाइल, योर इनकम, योर एज, एवरीथिंग हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन, और उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग एक बड़ा फैक्टर है। तो डिजिटल टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप अपने किसी भी ऐप में जाके जो डिजिटल रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, आप उसमें पहले एसेस करें कि आप कितना रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं। एपेटाइट क्या बताता है कि फिनमैप में भी, फिनमैप में हमारे पास है रिस्क प्रोफाइलिंग का, तो आप पहले तो जाएं रिस्क प्रोफाइलिंग करें, ठीक है, इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और वो डिपेंड करता है आपके डिपेंडेंट कितने हैं, आपके इनकम पे फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है, कितने समय तक का आप लॉस बियर कर सकते हैं, 5 साल, 3 साल, 4 साल सडनली कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वंस यू हैव द रिस्क प्रोफाइलिंग एस्पेक्ट, यू नाउ आर रेडी फॉर एलोकेटिंग दैट सेविंग्स। एलोकेट करने के लिए भी देर आर प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कैसे करेंगे एलोकेट? तो एलोकेट करने के बेसिक फंडामेंटल ये हैं कि आपको समझना है कि अगर आप हाईली रिस्क कैटेगरी में आते हैं, राइट, यू आर हाईली रिस्क वॉज नॉट रिस्क अवर्स पर्सन, यू आर मोर अ हाईली रिस्क एग्रेसिव कैटेगरी, तो उसमें आपको एटलीस्ट बताता है कि 70% और 80% ऑफ योर मनी शुड गो इन टू इक्विटी, ठीक है, और 20-30% आप उसको लगा सकते हैं डेट फंड्स में, जो कि सेफेस्ट बेट है, जिसके साथ में मार्केट इन्फ्लेशन होगा, फ्लक्चुएशन वगैरह होंगे, तो भी आप उसके साथ मैनेज कर सकते हो इन द यंग एज ऑफ द पीपल। एज भी एक बड़ा फैक्टर है, राइट, बट एज यू प्रोग्रेस विथ इनकम एंड एज, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज। तो प्रमोद, ये रिस्क प्रोफाइलिंग ये होती क्या चीज़ है और इसको करना क्यों ज़रूरी है इतना? ठीक है, तो अब रिस्क प्रोफाइलिंग से पहले हमने बात की थी कि अगर आपके पास सर्टेन सेविंग्स हैं तो उसको एलोकेट कैसे करें, राइट, उस एलोकेशन को करने के लिए पहले आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है? आपके प्रोफाइलिंग से, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की रिस्क मेरी अलग हो सकती है, तुम्हारी अलग हो सकती है, ठीक है, तो जब रिस्क का डिफरेंस है उसको कैसे समझेंगे, उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, राइट, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जाके देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, 5-6 सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप जाइए 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपको बता देगा कि आपका रिस्क अग्रेसिव है, मॉडरेटली अग्रेसिव है, बैलेंस्ड है, कंजर्वेटिव है, ये कैटेगरी आती है, इसके बेसिस पे ही आप उस एसेट का एलोकेशन करोगे जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ जानी है। तो ये वो तरीका है जानने का, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप जाइए, देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर डिसाइड करिए कि कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे मनी को। तो जो भी आपने अभी रिस्क कैटेगरी बताई, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके की रिस्क कैटेगरी होती है और उससे क्या डिसाइड होता है बेसिकली? राइट, सो आई टोल्ड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 30-year guy, maybe 30, रिस्क प्रोफाइलिंग 30 years के लिए कैसी होगी, इसको हम सैम्पल करते हैं, ठीक है, तो एक 30-year थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, राइट, ही इज़ यंग एंड लुकिंग टू, यू नो, मे बी मैरिड भी हो सकता है, बट अबाउट टू बी मैरिड वाला स्टेज में होता है, राइट, फैमिली बहुत ही, अगर होगी होगी शादी तो बहुत ही न्यू स्मॉल फैमिली होगी, एक बच्चा हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी कि ना भी हो, राइट, तो इस बंदे का रिस्क थोड़ा सा टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास एज भी है, उसके पास ड्यूरेशन लंबा है, फैमिली प्लानिंग अभी नहीं हुई है, तो रिस्क ले सकता है,
बट उसको अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए टू गेट अ बेटर एनालिसिस कि वो रियली अग्रेसिव है कि मॉडरेटली अग्रेसिव है. अग्रेसिव कैटेगरी में भी देखना है. तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बात की थी, फिनमैप है और भी ऐप्स हैं जिस पर आप जाके अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, तो एक 30 ईयर का रिस्क प्रोफाइल निकलेगा. तो उसमें अगर निकलता है कि ही इज एन अग्रेसिव पर्सन, राइट, निकल जाएगा कैटेगरी निकल गए, तो अब उस अग्रेसिव पर्सन के हिसाब से जो उसकी सेविंग्स हैं उसको एलोकेशन करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 30 इयर्स का उसका एज है, तो उसमें एक और रूल आता है, एज माइनस 100 माइनस एज का रूल आता है, राइट. 100 में से आप अपने एज को माइनस कर दो तो आपका निकल आएगा कि कितना परसेंट आप रिस्क ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग द इन्वेस्टमेंट. तो 30 इयर्स उसका एज है, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, तो एक स्टैंडर्ड क्या बनेगा, 70 तक का तो इक्विटी एलोकेशन आप कर सकते हैं. बचे 30 को कहाँ लगाना है, सेविंग्स में, मतलब डेट फंड में जो रिस्क फ्री फंड है. बट 70% ही शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, दैट्स ए गुड इनफ एलोकेशन, राइट. बट दिस 30 इयर्स पीपल कैन चेंज, उसका एज बदल जाएगा तो यही इक्वेशन बदल जाएगी. तो आपका कहना है कि जैसे एज बदलेगी तो सिचुएशन बदलेगी, तो इसका मतलब हर कुछ कुछ पीरियड के बाद आपको अपना रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए ताकि आप अपना एलोकेशन चेंज कर सकें. राइट, ये कोई वन टाइम का स्ट्रेटजी नहीं है ना, बिकॉज इनकम बदल रही है आपकी फैमिली. अभी तो आप, मैं बोल रहा था कि उसकी शादी शायद हुई हो ना हुई हो, बट बच्चा बढ़ेगा जब इन एज, मैरिज का एज उसका कंप्लीट बढ़ेगा तो एक बच्चा भी होगा, फैमिली भी बढ़ेगी, राइट. तो रिस्क भी चेंज हो रहा है ना, उसके डिपेंडेंट लोग बढ़ गए, तो ही हैज़ टू अगेन रीअसेस हिज रिस्क एंड सी कि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो कैसे चेंज होना है, राइट. रूल फंडामेंटल है, अगर मान लो 30 से 35 हुआ तो अब एलोकेशन 65-35 हो गया, राइट. तो ये बेसिक है. और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अगर हम सबसे ज़्यादा रिस्क से लेके फिर नीचे की तरफ को रिस्क को आए, तो किस टाइप की एसेट किधर पे इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली? ठीक है, तो वही बंदा को हम लेके प्रोग्रेस करते हैं, वो 30 में था, 35 में आया तो हमने 65-35 किया, नाउ दैट पर्सन इज फुल्ली 45 ईयर्स, मिड, टिपिकल मिड क्राइसिस वाले एज आ जाता है ना, जहाँ पे आप क्राइसिस में आ जाते हो मेंटली कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं लाइफ में, बट ऑलमोस्ट फिनेंशियली एक मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आ जाती है उस बंदे की, ठीक है. और ही और शी बिकम्स अ फादर और डॉटर, राइट. सो लॉट ऑफ थिंग्स चेंज फॉर दैट पर्सन इन दैट एज, 45 ईयर्स के एज में, ठीक है. तो 45 ईयर्स में अगर वो बंदा गया है तो उसकी पहले तो रिस्क प्रोफाइलिंग बदल गई. नाउ ही शुड बी मोर इन बैलेंस्ड इन हिज अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग. तो जो फंड का एलोकेशन है थोड़ा सा 50-50 इक्विटी और 50% फॉर डेट फंड्स. डेट फंड इज द सेफेस्ट फंड इन दैट सेंस कि उसमें एक सर्टन रिटर्न मिलता है जो कि एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न. एफडी का से कितना है, 8-9% जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, 6-7% भी फ्लक्चुएट होता रहता है, बट इसका एटलीस्ट 10-12% आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो 45 ईयर्स के एज में भी जाके, अगर आपने ये लोकेशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, बट यू स्टिल मेक अ गुड डिसेंट रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो दिस हाउ द थिंग्स चेंजेस फॉर द पर्सन विद एन एज, तो रिस्क प्रोफाइलिंग ऑब्वियसली चेंज हो गई, एसेट एलोकेशन चेंज हो गया, रिटर्न्स कैन बी मैनेज्ड, सो पोर्टफोलियो का थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि आप मोर गो टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम एसेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट फंड्स, राइट, एनसीडी डिबेंचर्स हैं कंपनी के, ये सब सेफेस्ट बेट हैं. बट डोंट पुट इट अक्रॉस कि आप पूरा कर उसको 70 कर दिया या 30 कर दिया. एज यू प्रोग्रेस 45 से 50 गया तो नाउ अगेन मोर टुवर्ड्स डेट, लेस टुवर्ड्स इक्विटी. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही है, तो इसको कैसे एक मतलब आम आदमी जो कि फाइनेंस को जानता भी नहीं है ढंग से, जिसको बजटिंग का भी अभी ज़्यादा मालूम नहीं है, तो वो किस तरीके से इसको करें, क्योंकि ये तो काफ़ी ऐसी चीज़ लग रही है कि आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, और आज का यूथ में इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो इतना आपका सब चीज़ों को पढ़े और फिर देखे फिर समझे उसके बाद इन्वेस्ट करे. तो मैंने तो बताया कि 2-3 बड़े सिंपल रूल्स हैं ना, जब हम अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास. अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे तो किसी एडवाइज़र के साथ बात कीजिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, राइट. आप रिस्क असेसमेंट अपना नहीं कर पा रहे हैं तो बंदा आपका प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, और दैट एडवाइज़र कैन बी योर डिजिटल एडवाइज़र लाइक फिनमैप. फिनमैप हैज़ एन ऐप विच कम्प्लीटली असेस योर रिस्क एंड गिव यू द रिकमेंडेशंस. आपको दिमाग नहीं लगाना, आप आइए, 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राइट. और उसके बाद हम आपको एक सर्टेन एलोकेशन बता देंगे कि कैसे कैसे आपका फंड का एलोकेशन होना चाहिए, राइट. इफ़ यू वांट टू टेक दैट रिकमेंडेशन यू कैन टेक, इफ़ यू वांट टू पॉन्डर अपॉन इट यू कैन कंसल्ट टू सम आउटसाइड पर्सन,
बट वी एडवाइज दैट दैट पर्सन ऑफ एडवाइजर कैन बी कॉस्टली अफेयर. आपको खर्चा करना पड़ सकता है किसी को लेने के लिए. आपको आपको अगर करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं. तो प्रमोद, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट ये जो आपने जो भी चीज़ें आपने बताई काफ़ी ऐसा लगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. जो आज की यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में खुद से पता करें, ना ही इतनी नॉलेज है. तो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और किस तरीके से यंग जनरेशन जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करे? आई कैन अंडरस्टैंड कि यंग जनरेशन ऑब्वियसली फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जी रही है और टाइम का भी क्रंच है उसके पास, राइट? बिकॉज उसको बहुत कुछ करना है ना. तो उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? सबसे अच्छा अगर आपको दिमाग नहीं लगा ना, तो देर आर प्लेटफॉर्म्स जिसके पास वो ब्रेन है, राइट, टू मेक एवरीथिंग इजिली डाइजेस्टेबल एंड प्रेजेंटेबल टू यू. एंड फिनमैप इज़ वन ऑफ दैट सोल्यूशन. आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? आपको केवल 4-5 सवाल से हम लोग लेके जाएंगे. उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ठीक है, कितना रिस्क ले सकते हैं. वंस यू यूज़ दैट टूल, यू विल गेट अ कंप्लीट होलिस्टिक रिस्क प्रोफाइलिंग. और उसके बाद हमने रिस्क प्रोफाइल के बियॉन्ड भी हम जाके बता सकते हैं कि इसके बाद आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. सो आपका सारा जो चैलेंज था रिसर्च करने का, टाइम कंस्ट्रेंट का, सब कुछ हमने उसमें सॉल्व कर रखा है. तो इस प्लेटफॉर्म पर जाइए और आपको इस, आप इसको अपना दिमाग बना सकते हैं अगर आपके पास दिमाग खर्च करने का टाइम नहीं है. ये बहुत अच्छी चीज़ right. आपने बताई कि लोग फिनमैप पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि अपने आप वो बताएगा right. बहुत आसानी से right. तो जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टिंग के अंदर, रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर अगर हम देखा जाए तो इक्विटी और डेट, आपने बोला कि दो चीज़ें होती हैं जो कि रिस्क के हिसाब से आपको अपना फंड उस तरीके से एलोकेट करना होता है. Right. तो ये इक्विटी और डेट एक्चुअली होता क्या है, अगर जनरल भाषा में बात करें तो क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो इक्विटी को पहले लेते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर हो सकता है कि उसने स्टॉक मार्केट तो सुना होगा, भले इन्वेस्ट नहीं किया हो कभी. तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं. स्टॉक्स क्या होते हैं? किसी कंपनी के शेयर्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री से देखा जाता है, तो इक्विटी ज़्यादातर स्टॉक्स और शेयर्स आप खरीदते हो उस टर्म्स को डिफाइन करते हैं. अगर आप उसको खरीदते हो और अपने पास रखते हो, तो आप एक कंपनी के शेयर्स को रखते हो, तो वो ज़्यादातर वो कंपोनेंट क्या कहलाती है? इक्विटी. ठीक है, और ये थोड़ा रिस्क साइड में ज़्यादा, इक्विटी रिस्क बेस्ड वो इन्वेस्टमेंट है. लेकिन ये समझ में आ गया ना कि इक्विटी क्या होता है? इट्स अ स्टॉक विच यू ओन ऑफ द कंपनी, राइट. अब दूसरा पार्ट है डेट. ठीक है, तो डेट को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बट डेट होता है क्या उसको समझने की जरूरत पड़ेगी. गवर्नमेंट से हमारी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार उनको फंड रेज करना होता है right. तो फंड रेज करने के लिए पब्लिक को बोलती है कि आप मेरे बॉन्ड्स खरीद लो right. एक कमिटमेंट देते हैं, टेंडर आउट करते हैं कि बॉन्ड्स ले लीजिए, जो गवर्नमेंट के होते हैं right. अब गवर्नमेंट है तो यू अंडरस्टैंड कि वहाँ सिक्योरिटी है right. उनके पास कॉर्पस होता है, कभी कुछ होगा तो वो आपको पे बैक कर पाएंगे. ठीक है, तो इस आपका इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड में जाता है, जो गवर्नमेंट खुद निकालती है, ठीक है, वो सारे जो जो बॉन्ड्स हैं वो एक डेट के कंपोनेंट में आते हैं. तो डेट में के साथ सेविंग्स, सेफ वाला टर्म आ गया, सेफ है वो, और गवर्नमेंट का एक जुड़ाव आ गया. तो आपको एश्योर करता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के साइड जाएगा, चाहे वो मनी मार्केट में जाए, चाहे डेट बॉन्ड्स में जाए, ठीक है, आपके फिक्स्ड इनकम जो फिक्स्ड एश्योर करते हैं रिटर्न्स 5-6%, 3% से 6% तक वेरी कर सकते हैं मिनिमम जो है. तो ये सारे रिटर्न उस डेट साइड से आते हैं. तो डेट को आप समझ गए कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड चीज़ है, जिसको एक ट्रस्ट मिलता है पब्लिक को कि हाँ यहाँ पे मेरा मनी सेफ है. ठीक है, तो इक्विटी और डेट समझ में आ गया. तो इक्विटी या डेट को जैसे, तो उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग की क्या ज़रूरत है मेरे को? मैं सारा पैसा गवर्नमेंट डेट में क्यों नहीं लगा देता, क्योंकि वो सेफ है, पैसा मेरे को वापस मिलना है. इक्विटी में क्यों लगाऊं? जैसे शेयर मार्केट के बारे में बोला भी जाता है कि आप पैसा डालते हो और पैसा आपका ख़त्म हो जाता है, वॉलेटाइल right. इतना है शेयर मार्केट राइट right. तो सारा का सारा पैसा हम इधर क्यों ना डालते, क्योंकि वो सेफ है, तो इक्विटी में डालने का क्या मतलब है? अब सेफ तो है, बट अल्टीमेटली आपका चॉइस भी हो सकता है कि अगर आप उसको अपने इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो और वो इनकम आपके पास इतना रिटर्न तो दे जो कि मार्केट इन्फ्लेशन को कवर कर सके. ठीक है, आपका रिटर्न मान लो 3-4% है, एंड यू नो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6.9% तो आज के डेट में है. और आप अगर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं 5 साल के ड्यूरेशन में, तो उसका इन्फ्लेशन हो सकता है 7-8% चला जाए. तो आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है, आपके इनकम का अपने इन्वेस्टमेंट के वो 3% के दर से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 7% है. तो अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू बना वो तो नेगेटिव साइड में बना.
तो वो अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे 100% केवल सेफेस्ट में, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए किसी को इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है और कंसिडरेबल रिटर्न्स बनाना है 5 साल 6 साल 10 साल के पीरियड में, व्हाट यू शुड डू, यू शुड डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो नॉट ओनली इन द डेट बट ऑल्सो हैव एन इक्विटी कॉम्पोनेंट। अच्छा, इक्विटी सेफ रिस्क तो है बट उसको कम करने के लिए देर इज अ म्यूचुअल फंड, इसीलिए टर्म आया, बिकॉज स्टॉक में आप करते पिक करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता, और एक स्टॉक अपने पॉकेट में रखोगे राइट, तो मार्केट तो गिरा तो वो स्टॉक पूरा गया। और कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्रीज है, उसके प्राइजेस तो 1000-2000 रुपए के ऊपर से यूनिट प्राइस है, एक साथ तो आप खरीद नहीं सकते उस प्राइस को, तो कैसे खरीदोगे वो, और बड़ा वैल्यू स्टॉक है वो। म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, आप म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से भी वो स्टॉक खरीद सकते हो, क्यों, क्योंकि आप ही नहीं हो, आपके जैसे हजारों लोग मिला के कॉर्पस बनता है जिसका डाइवर्सिफिकेशन वो फंड हाउस करता है, तो आपके पास कैपेबिलिटी आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की, जो कि शायद आप इंडिविजुअली नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो इस तरह का जो पूरा पेन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, फंड मैनेजर्स हैं वो आपका रिस्क भी कम कर रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं आपके बिहाफ में, डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, तो सारा पेन किसने ले लिया, म्यूचुअल फंड ने। उसके लिए आपको देना बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट होती है, जैसे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो जनरली क्या है कि 2 रुपये वो ले लेगा फंड मैनेजर, 98 रुपीज इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके, तो 2 रुपये इसलिए कि वो फंड मैनेजर आपका बिहाफ में सारा रिस्क ले रहा है, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो रिस्क वैसे मिनिमाइज हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको इनकम बढ़ाने पे भी ध्यान देना है और साथ में ये भी ध्यान देना है कि आपका पैसा ना डूबे, तो बेसिकली वो रिस्क है। और क्योंकि इक्विटी में जनरली इनकम हायर साइड में होती है तो लोग ज़्यादा उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सारा पैसा वहाँ लगाते हैं, बट वहाँ पे रिस्क भी है क्योंकि मार्केट क्रैश कर गया तो आपका पैसा खत्म, 0 पे भी आ जाएगा और बिल्कुल नीचे आ जाएगा। बट पॉसिबिलिटी जो है, जैसे रिस्क है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ये पूरा जो इतिहास है वो ये कहता है कि वर्स्ट से वर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी 10% रिटर्न देता है। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड जैसे हम देखते भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए कि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में होता क्या, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, और क्या ये एक्चुअल में सेफ भी है, मतलब हम किसी को पैसा दे रहे हैं कहीं वो पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा। बिल्कुल, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लोग म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स नहीं समझते, ठीक है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले समझना है कि बनता कैसे म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या मैंने बताया, जैसे आपका एक इंटरेस्ट है कुछ इन्वेस्ट करने का, तो आप किसी को वो पैसा दे रहे हो, बट जिसको दे रहे हो वो कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है, वो एक वेल रिसर्च्ड वेल नॉनेड एडवाइज़र है जो कि सब कुछ मार्केट के बारे में जानता है, ठीक है, वो काम करता है एज ए फंड मैनेजर। बट फंड कौन मैनेज करता है, एक होता है, एक बोलते हैं हम उसको कि एक पूरी की पूरी ग्रुप है जो कि कस्टोडियन है आपके स्टॉक्स का, ठीक है, आप जो पैसा दोगे उस पर्टिकुलर उसके पास जाएगा जो कस्टोडियन बनता है, वो इंश्योर करता है कि वो एक सेबी एक हमारे रेगुलेटरी बॉडी है जिसके तहत वो एसेट जो होल्ड कर रहा है वो बंदा उसके थोड़ा रेगुलेटेड है, तो उसके पास सफिशियंट कॉर्पस वो साइड में होता है ताकि कुछ भी रिस्क होगा तो आपका पैसा वो रिटर्न कर सके इन केस ऑफ मिसहैपनिंग, राइट। सो म्यूचुअल फंड अपने आप में पूरा एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लॉनेड पीपल हैं, वो एक ट्रेजरी हैं आपके, कस्टोडियन बनते हैं, वो रेगुलेटेड बॉडी के अंदर काम करते हैं और वो अपॉइंट करते हैं एक फंड मैनेजर जो कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझता है, राइट, ही इज वेल रिसोर्स्ड पर्सन, ही नोज हाउ द इक्विटी वर्क्स, हाउ स्टॉक्स वर्क, एक्सपर्ट है, वो पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई करता है ताकि आपको बेटर रिटर्न दे पाए। और दूसरा कॉम्पोनेंट ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक टर्मोलॉजी है, तो ये जो फंड हाउस है वो AUM मेंटेन करता है, AUM इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर मनी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टुगेदर, देयर मनी गेट्स इनटू दैट फंड हाउस, दैट फंड हाउस एंड AUM टू मैनेज, दैट्स व्हाई AUM से पावर मिलती है उनको कि वो कहाँ डाइवर्सिफाई कर पाए। एक साथ मिला के 1000 रुपये में 1000 लोग मिल गए तो 1000000 रुपये हो गए ना उसके पास, और वो 1000000 के हिसाब से वो स्टॉक खरीद सकते हैं जो कि एक आदमी नहीं खरीद सकता था उसका। अब उसको जब खरीद लेते हैं वो, तो उसका क्या बनाते हैं, उस AUM के थ्रू स्टॉक्स का बन जाता है एक प्रॉपर बास्केट, उस बास्केट का अपना एक NAV होता है, उस बास्केट का हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV। NAV को समझना है तो समझना है कि जो पूरा फंड हाउस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM है वो टोटल हो गया, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो यूनिट बन जाएंगे, तो इससे निकल के जाता है पूरा हमारा, राइट। तो फंड हाउस इज द सेफेस्ट बेट, दे कम एंड टेक द कस्टडी ऑफ योर मनी, दे आर वेल रिसर्च्ड वेल ट्रेन्ड पीपल टू मैनेज दैट। तो प्रमोद,
म्यूचुअल फंड के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करने के ऐसे कौन से और प्रोडक्ट हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है और सेफर हैं? राइट। सो आपने दो कंपोनेंट पूछा कि कौन से और एसेट हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका रिटर्न भी सेफ है। ये मतलब इसमें ये दो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बहुत क्रिस्प तरीके से मैं दे सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो तो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट यू कैन एलोकेट दैट फंड इनटू एनपीएस। राइट, एनपीएस हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। एक है कि वो एक तो टैक्स कंपोनेंट भी आपको बचाता है, टैक्स सेविंग का इम्पोर्टेंट, जो कि हर एक यूथ से लेकर एक अच्छे इनकम वाले बंदे का भी कंसर्न रहता है टैक्स। राइट, तो उसका भी टेक केयर कर लेता है और एक डिसेंट रिटर्न जो कि 10-12% है, इट्स ए गुड रिटर्न एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट इन पीपीएफ और एफडी। राइट, तो इनसे बेटर रिटर्न भी मिल गया आपको और आपका एनपीएस जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है बिकॉज गवर्नमेंट टेक केयर करती है। राइट, तो इस दोनों कंपोनेंट से रिस्क भी कम है, रिटर्न भी आपका 10-12% है और सेफ्टी का कंसर्न भी सॉल्व हो गया, तो एनपीएस एक एसेट है। अगर आपको थोड़ा सा एक फैक्टर चाहिए कि मैं कभी भी निकाल सकूं, क्योंकि एनपीएस में लॉक इन आता है। एनपीएस इज अ डिजाइन टू बी रिटायरमेंट प्रोडक्ट विच हैज़ अ टैक्स सेविंग कॉम्पोनेंट, बट यू हैव अ डिसिप्लिन ऑफ एटलीस्ट इन्वेस्ट बींग इन्वेस्टेड फॉर योर रिटायरमेंट एज 65-70 ईयर्स, वो एज तक आपको ले जाना पड़ेगा और आपको ब्रेक नहीं कर सकते उसको उससे पहले अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी, वो क्लॉज है। बट उससे अगर वैसा कंपोनेंट चाहिए जो कि आपको ये फ्रीडम देता हो कि मैं निकाल सकूं, तो आप दूसरा एफडी को ले लें या तो पीपीएफ की तरफ चले जहाँ पे लॉक इन इतना अग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। बट आइडियली एनपीएस इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट फॉर सेफ्टी एंड टैक्स सेविंग एंड रिटायरमेंट तो बाय डिजाइन है। तो काफ़ी हम लोगों ने बात की है अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इनकम के बारे में, तो अगर कंक्लूड किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको इनकम को कहाँ कहाँ डिवाइड करना है। राइट, तो आप बजटिंग पहले हम लोग बजटिंग बोलते हैं, तो बजटिंग में आपको 50-30-20 बेसिक रूल लगा सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मेक श्योर कि वो रूल चेंज भी होता है 50-30 इनिशियल डेज में सबके लिए, जब स्टार्ट कर रहा हो तो ये रूल लगाइए, बट जैसे जैसे आपका एज और इनकम बढ़ रहा है थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऑफ वॉन्ट्स है जो 30% है वो कट करिए, मूव दैट 10% टू सेविंग्स बकेट। तो बेसिकली ये है कि सेविंग्स को आपको मिनिमम 20 तो रखना ही है, आप अगर उससे बियॉन्ड कर रहे हैं तो सेविंग बढ़ना चाहिए। आप कहीं पे भी अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है तो सेविंग्स होगी तो ही इन्वेस्ट कर पाओगे ना, बाकी नीड पे तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। नीड इज अ नीड, वॉन्ट इज समथिंग विच यू कैन डू अवे विथ। राइट, आप थोड़ा सा कट कर सकते हो एक्सपेंसिव ब्रांड से हटके, बट दैट इज एन आइडियल थिंग टू डू, कट डाउन द वॉन्ट्स, मूव इट टुवर्ड्स सेविंग्स, एंड द मोर सेविंग्स यू हैव द मोर इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। तो 50-20 और ये 30 वाले रूल को फॉलो करना है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम सेव करना है और एक्सपर्ट के मतलब एक्सपर्ट की तरह आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, फिनमैप को आप यूज कर सकते हैं, और अपने जिसमें आपको रिस्क असेस करना है सबसे पहले, तो रिस्क के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है और रिस्क को आपको बार बार असेस करते जाना है, असेस करना। तो बेसिकली कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का यही, क्योंकि एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आपको करना है और यू हैव टू रिविजिट योर रिस्क प्रोफाइलिंग, रिविजिटिंग योर इनकम एक्सपेंस स्ट्रेटजी, चेंज द बजटिंग रूल्स, एंड डिसिप्लिन इज द मेन थिंग, आपको डिसिप्लिन रहना है। सो दैट इज डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच हैज ऑलवेज मेड लॉट ऑफ पीपल actually rich, because they have been they started early, they persisted, they increased the savings, they were very much interested to oversave, use that savings to invest, and that investment over the period of time definitely average out karke basically is a power of compounding. So if you want to become a millionaire to start with, this is the right strategy. Start early, invest, save, and be disciplined enough. So aaj ke podcast mein itna hi, थैंक यू प्रमोद। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, बट ध्यान ये रखना है कि मिनिमम 20% आपको सेविंग की तरह तरफ बांटना है और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना, और कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जो वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स बेसिकली जो कि आपके नेसेसरी खर्चे नहीं हैं, उनसे आप चीज़ों को हटा के सेविंग में जाएँ, ताकि आपका फ्यूचर में कभी भी आपको इमरजेंसी हो या कोई भी चीज़ हो तो वो आपका फंड आपके काम आए। तो ऐसे ही नॉलेजफुल पॉडकास्ट के लिए फिनमैप को सब्सक्राइब कीजिए और फिनमैप के पॉडकास्ट को सुनते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड
इट वॉज ऑसम डिस्कसिंग दैट. इफ यू हैव एनी अदर टॉपिक टू डिस्कस विद अस, पुट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.